तो इन्होंने जो ये जो अब आ गया, मैं आप प्रेडिक्ट कर रहा हूँ क्या करना है, ये डरेंगे, इलेक्शन अनाउंस करना पड़ेगा इनको, 14 अगस्त इज द लास्ट डेट, उसके बाद उनको इलेक्शन करना पड़ेगा। तो इनका प्लान क्या है, एक मुझे जेल में डालने का प्लान है, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ क्योंकि 180 केसेस है, तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मंडे या फ्राइडे तक मुझे जेल में डाल देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं है अब तक जो वो अदालत में जा रहे हैं, केस सारे बोगस केसेस हैं, लेकिन इतने ज्यादा किए हुए हैं और इन्होंने थोड़ा मैनेज किया हुआ। मैं समझता हूँ कि अच्छा मुझे, मैं जेल में चला गया, ये डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे, एक जज इनकी पूरी मदद कर रहा है इस बात, तो वो दूसरी चीज है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, डिस्क्वालीफाई करेंगे, जेल में भी डाल देंगे, तो इलेक्शन में तो पार्टी को कैसे, वोटर को कैसे रोकेंगे। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि जो भी करें ये उस स्टेज पे पहुंच गए कि जीत नहीं सकते, लेकिन इन्होंने इलेक्शन डिले करने की कोशिश कर ली, और इसके लिए जो मुझे, जो मैं कह रहा हूं ना कि ये ब्लाइंड एलए की तरफ आप जा रहे हैं, जितना भी आप ये डेमोक्रेसी का कत्ल करेंगे कि पार्टी को डिसबैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और हर पे इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ तब उस एक्सटेंट पे चले जाएंगे कि इलेक्शन भी फार्सिकल हो जाएंगे और वो कुछ नए इलेक्शन स्टेबिलिटी लाने के और डिस्टेबलाइज कर रहे थे मुल्क को। और IMF के साथ जो मैंने कल बात की थी, और वो समझते हैं इस चीज को कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमी तो स्टेबलाइज कर ही नहीं सकती, और इकोनॉमी तब स्टेबलाइज करती है जब एक प्रेडिक्टेबिलिटी हो, एक सिस्टम में रूल ऑफ लॉ हो, लोगों को ये पता चले कि आपकी 5 साल तक की एक पार्टी है, इसके ये प्रोग्राम है, इसका ये इकोनॉमिक पॉलिसीज है, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में चीज है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, जो जुडिशियल सिस्टम के अंदर ट्रस्ट हो इन्वेस्टर का, वो तो सिर्फ तब आ सकता है कि तकड़ी हुकूमत पब्लिक मैंडेट से आए जो कि इम्पोज करे रूल ऑफ लॉ। अब मैं ये आखिर में सिर्फ ये कहना चाहते हूँ कि आप पाकिस्तान की जिस समय का बड़ी तो वो कम्युनिटी है जो पावरफुल भी और ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं US के अंदर पॉलिसी को, अगर आप थोड़ा और यूनाइट कर जाए, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारी जीन्स में है कि पाकिस्तानी को यूनाइट करना आसान काम नहीं है। जब मैं पहली दफा 18 साल के अंदर टीम के अंदर आया, तो मैंने 14 की स्क्वाड के अंदर 3 टीमें देखी बजाय एक टीम के, तो फिर मैंने रियलाइज की हमारी जीन में कोई इशू है, तो मैं हमेशा ये प्रॉब्लम यूनाइट करने का हमें मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी यहाँ अमेरिका में यूनाइट कर दे, ये बहुत पावरफुल वॉइस बन सकती है। लेकिन हम अगर यहाँ यूनाइट कर दें तो इसका इम्पैक्ट बड़ा पड़ सकता है, लेकिन मेरा जो नजर में है कि जो सबसे हमें फायदा है, जो मैं एनविजिज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ने मौका दिया तो हम कैसे निकलेंगे, हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है कि हमारे पास डॉलर कमी, हमारे रिजर्व कम है, हम डॉलर इनकम कभी भी किसी ने एक्सपोर्ट पे जोर नहीं लगाया। तो मैं जो आगे फोर्सी करता हूं कि हमारा जो 10 बिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी, इनके ये है हमारा फ्यूचर, जिनकी वजह से पाकिस्तान अपना किक स्टार्ट करेगा इकोनॉमी। उसके ऊपर जब इतमाद होगा, क्योंकि अभी तो ये हाल है कि अगर कोई प्रॉटी लेता तो उसके ऊपर कब्जा हो जाता, और वो बेचारे के पास कोई, मैंने तो देखा हुआ ना यहाँ रात के, हमने तो खैर बड़ी कोशिश की थी स्पेशल कोर्स बनाने की ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, लेकिन अगर प्लॉट जैसी चीज के ऊपर कब्जा हो जाता है तो कौन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा, कौन सरमायाकारी करेगा, और ये हमारा सबसे बड़ा आदमी है हमारे सिस्टम के अंदर। जिस तरह मैंने कहा पाकिस्तान वन, डेनमार्क नंबर वन है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, पाकिस्तान आउट ऑफ 140 कंट्रीज 129, एंड दैट वाज बिफोर द क्रैकडाउन। जो क्रैकडाउन किया अब तो बिल्कुल रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया ना, अब तो लॉ ऑफ द जंगल है पाकिस्तान, लेकिन इससे पहले 140 में पाकिस्तान का नंबर 129 आपका नंबर रूल ऑफ लॉ में हो, आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे।
नहीं सकते। जो इन्वेस्टर है वो घबराता है, उसका पैसा है वो सेविंग इकट्ठी करता है। मैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो बैकबोन होती है इकोनॉमी, वो जो पैसे कमाते हैं बाहर वो फिर जाके उनका शौक होता है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, उनका इतना बुरा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि यहाँ फ्रॉड हो जाते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, उधर वहीं में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं जिस सिस्टम को वो ट्रस्ट करते हैं। तो मेरी इंटेंशन ये है कि अगर जब एक गवर्नमेंट आए पब्लिक मैंडेट से, वो सबसे पहले रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में इम्पोज करे, जिस तरह लीगोनियो ने सिंगापुर में किया था, जिस तरह मुहादर मोहम्मद ने मलेशिया में किया था, मलेशिया में पूरी करप्शन। मुहादर की अचीवमेंट ये थी कि उसने कॉन्फिडेंस दिया लोगों को उस सिस्टम के अंदर, जिसमें फिर इन्वेस्ट बढ़ानी शुरू की। हमारा पास तो जिस तरह मैंने कहा 10 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी है, जैसे हम अपना सिस्टम ठीक करें तो इस मुल्क में इन्वेस्ट बढ़ानी शुरू होगी, तो जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा इंशाल्लाह हाथ होगा। और मैं डॉक्टर्स के लिए कहना चाहता हूँ, हमने जो